आज पूरे देश को ही नहीं सारे प्रदेशों को भी जरूरत है एक भावी प्रधानमंत्री की। बहुजन समाज के ही नहीं सभी धर्म व जाति के लोग चाहते हैं एक कुशल प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को। लेकिन बहन जी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, लेकिन अभी एक विशाल रैली में उन्होंने संकेत दिए कि वह पीएम पद की दौड़ में है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मौका मिला तो सर्वश्रेष्ठ सरकार देने में वह उप्र की सीएम के रूप में हासिल अनुभव का उपयोग करेंगी। वह 4 बार सीएम रह चुकी हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने ये बातें कही जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पीएम बनना चाहेंगी और क्या तीसरे मोर्चे की जरूरत है। इस पर उन्होंने कहा कि 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने पर सभी चीजें साफ हो जाएंगी। मायावती ने इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया कि 2014 के चुनावों में बसपा को भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे। बता दें कि बसपा आंध्र प्रदेश में जनसेना, भाकपा और माकपा के साथ मिलकर लोस और विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।